नमस्कार छात्र छात्री सकल तुम लोग मोर चेनेल स्वागत आज मैं तुम लोग ऊर पुनर एट नतुन विषय लषय तो दशम मान और नवम मान श्रेणी व्याकरण नत्विधि और सत्विधि यू भिडिओ मैं नत्विधिर विषय आलोचना करम चुनाव नत्विधि कक बोले जी विधि मते दैन्त्य नय मधन्य नय रूप लय ताके नत्विधि बोले तुम लोग मैं सहज भाषा बुझा दी कब्द दैन्त्य और मधन्य यह दूटा बर्णर भर कर्ण बहिब तक निर्णय कर नियमबूरके नत्विधि बोले बुझिशाने एम चाँ यार नियमबिल नियम हल एक नम्बरते री र और मधन्य हर पास सदा मधन्य नए बहे आम यह नियम तो मन रख लगे कि अखर री र और मधन्य हम उदाहरण चुना जने ऋण रण भीषण और हरण इतना ऋण आम क्य ऋण न क्य लिखा तीन लगे लिख लगे रिर पास न थकार मधन्य न नो जो मधन्य नार कारण हल ऋ तो आगत थकार आन एट उदाहरण चुना रण रर पास न थकार इ मधन्य नाम दु नम्बर नियम जाओ री र और मधन्य ह आरु नर मजत स्वरवर्ण स्वरवर्ण माने अ आ हस्र दीर्घ गोटे केटा बा क वर्ग क वर्ग बुली कौते क ख ग घ ङ ए गोटे पाँचा आम धरव लगे बा प वर्ग प वर्ग माने प फ ब भ म वर्ण बा उन्तेश्चर्य वाब और ह थे दैन्त्य न तो मधन्य न है एटा आम उदाहरण चाँ आसन रावण रावण बुली कौते आमार जो रावण न तो क्य मधन्य न से लिखे नत्विधि आम लिख लगे र और नर मजत वाब व्यवधान थकार मधन्य न से कारण यू चुना र और नर मजत कि व्यवधान आसे ए वाब आम ये तीनटा भलदे मन रख लगे उन्तेश्चर्य ब वाब और ह यहटा जो व्यवधान थके सदा मधन्य मधन्य नय हब और नेक्स्ट उदाहरण चुना ग्रहण ग्रहण तो हल ग और नर मजत ह व्यवधान थकार मधन्य न से यू जो मधन्य न से कारण ये क वर्ग ग तो आसे क ख गेने ग और न ये क वर्ग और ये नर मजत ह व्यवधान थकार इ मधन्य न से नेक्स्ट नियम तो चुना त वर्गर कोनो बर्णर लगत जुक्त हले दैन्त्य मधन्य न हय एतिया ए तीन नम्बर नियम तो आमी साम जेने घंटा ए घंटा तो न तो कार लगत जुक्त हैछे त लगत ए त वर्गर जिकोनो ता त थ द ध न ए मधन्य त तोर गुटे बर्ण गिटा लगत जुक्त हले सदाय मधन्य न हय एतिया सो आमी यार नत्विधि करूते लिखिबो लागिबो त वर्णर लगत जुक्त होवार बाबे मधन्य न हैछे ठीक तेनेदरे आन एटा उदाहरण चुना कंठ कंठ तो आम लगे ट वर्ग मधन्य थ वर्णर लगत जुक्त हर मधन्य नैसे इतना कि आम डायरेक्ट ट वर्ण लिख नो कारण कि जानने ये थ तो कत आसे ट वर्गशारीधे आसे सीकारण आम एक दूटार लिखोते अक पार्थक्य आसे इतना डायरेक्ट ट वर्ण लगते जुक्त करूँ ट वर्ग थ वर्णर लगत जुक्त हे मधन्य नैसे ये पार्थक्य तो तुम लोग पार लगे छात्र छात्री इतना नेक्स्ट नियम तो लाओ उत्तर दक्षिण चंद्र परा नार राम आदि शब्द पिछत थका अयन
শব্দৰ দন্ত্য ন মধন্য ন হয়। এতিয়া উদাহৰণ চোৱাচোন, উত্তৰায়ণ। এই উত্তৰায়ণৰ এইটো মধন্য ন কিয় হ'ল? কাৰণ উত্তৰ, এই উত্তৰ শব্দটোৰ পিছত যদি আমি অয়ন লিখোঁ, তেনেহ'লে সেই অয়নৰ নটো সদায় মধন্য ন হৈ যায়। এই নিয়মৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি উত্তৰ শব্দৰ পাছত অয়ন থকাৰ বাবে অয়নৰ ন মধন্য ন হৈছে। ঠিক তেনেদৰে চোৱা ৰামায়ণ। ৰামায়ণৰো আমি ইয়াত শব্দটো পাইছিলোঁ ৰাম শব্দ। এই শব্দকেইটা আমি ভালদৰে মনত ৰাখিব লাগিব। ৰাম শব্দৰ পিছত অয়ন থকাৰ বাবে অয়নৰ দন্ত্য নটো মধন্য ন হৈছে। এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকলৈ মই ইমানখিনিয়ে আগবঢ়ালোঁ। নমস্কাৰ।